नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को देश को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बल्कि बचाव और कोविड नियमों की पालन करने की जरूरत है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इस वर्ष के अंतिम सप्ताह में हैं, 2022 बस आने ही वाला है। आप सभी उसके स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ ये समय सचेत रहने का भी है। आज कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संकट बढ़ा है, भारत में भी ये संकट बढ़ा है। सावधान रहें, सतर्क रहें, पैनिक ना हो, मास्क का उपयोग करें, थोड़ी थोड़ी देर पर हाथ को धोते रहें। अब जब वायरस म्यूटेंट हो रहा है तो हमारी इनोवेशन की क्षमता भी बढ़ी है। आज हमारे पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 1,40,000 ICU बेड्स हैं, 90,000 विशेष बेड्स बच्चों के लिए हैं। अगर हम सब कुछ मिला दें तो 3,000 से ज़्यादा PCA ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं, 4,00,000 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए हैं, 141 करोड़ वैक्सीन डोज के मुश्किल लक्ष्य को भारत पार कर चुका है। वयस्क जनसंख्या में कम से कम 90% को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। भारतवासी इस पर गर्व करेंगे कि हमने सभी विपरीत परिस्थितियों के बीच ये किया। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि जिनकी उम्र 15 साल से है, जिन बच्चों की उम्र, उन्हें भी वैक्सीन लगाई जाएगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।